एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो हमारी बुक 2 है इंडियन पीपल वाली, उसका चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। इसमें हम बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वाटर जो है हमारे इंडिया में ग्राउंड वाटर कितना है, हमारे इंडिया के अंदर जो है, और सरफेस वाटर कितना है यानी कि रिवर्स का वाटर कितना है, एंड यू विल सी कि हमारे कंट्री के अंदर किस टाइप से जो है वाटर पोल्यूशन जो है हो रहा है, और उस वाटर पोल्यूशन को बचाने के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स अपना रहे हैं, और वाटर को सेव करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिस दैट, ये सब पढ़ने वाली हो आप। ये पोर्शन, लर्निंग पोर्शन आपका इस चैप्टर में से बहुत आने वाला है, तो मैंने इसके बहुत अच्छे से नोट्स बना दिए, जैसे सभी चैप्टर के बनाए हैं, वो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें बता रखा है कि वाटर जो है आज के समय में वाटर की स्केयरसिटी होने लग गई है, यानी कि स्केयरसिटी मतलब होता है किल्लत, यानी कि कमी होने लग गई है। इवन दो गाइज ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो एक रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है, यानी कि वो रिचार्जेबल रिसोर्स है, एग्जॉस्टेबल नहीं है। जो नेचर है हमारे, भगवान जी ने हमारे को पानी ऐसा नहीं दिया कि पानी दुनिया में ख़त्म हो सकता है, नहीं, पानी तो रिचार्ज होता रहता है। यू नो द इवेपोरेशन की साइकिल, जैसे ऐसे ऐसे पानी रिचार्ज हो जाता है। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल आप सुनते हो कि भैया थर्ड वर्ल्ड वॉर भी पानी पे हो सकता है, वाटर क्राइसिस आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी डिमांड है वाटर की, वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है। तो इतनी तो सप्लाई नहीं हो सकती ना कि तुम इतनी पॉपुलेशन बढ़ा लोगे तो भाई इतना नेचर तुम्हें प्रोवाइड कर देगा। और प्लस चलो ठीक है, अगर नेचर कवर अप करना भी चाहे, तो साथ ही के साथ में हम उस वाटर को पॉल्यूट भी बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। एक तो यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है, दूसरा पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। क्या है, जो इंडस्ट्रीज होती है उनका जो एफ्लुएंस होते हैं, यानी कि जो उनके वेस्ट होते हैं, उन्हें बिना ट्रीट करे रिवर के, साफ सुथरी रिवर के अंदर वो गंदे जो है केमिकल्स जो है पूरे फ्लश कर देते हैं, तो सोचो उससे पूरा पानी ख़राब हो जाता है। इवन ओशियन वाटर ऑल्सो, वहाँ पे भी जो है मरीन लाइफ को भी उससे नुकसान पड़ता है। चलो ओशियन वाटर तो हम नहीं पीते ना, हम तो फ्रेश वाटर पीते हैं, फ्रेश वाटर को भी इस तरीके से कभी कोई खेत है वहाँ का इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइज़र वगैरह वो पानी में घुल के उसमें जाके जो है मिल जाते हैं। ये सब रीज़न से पॉल्यूशन भी हो रहा है वाटर का, यूटिलाइजेशन भी ओवर हो रहा है, इसलिए वाटर क्राइसिस हो रहे हैं। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ में से आएगा, वाटर क्राइसिस होने के रीजन क्या है, तो यू कैन मैनेज टू राइट इट, ठीक है। अब वाटर जो है वो एक साइक्लिक रिसोर्स है, यानी कि रिप्लेनिश दोबारा हो सकती है, अबंडेंट सप्लाई है हमारे ग्लोब पे, बट क्या दिक्कत है फिर भी, क्योंकि हमारा यूजेज बहुत हो रहा है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे जो अर्थ का 71% ऑफ द सरफेस एरिया है उसमें पानी ही पानी है। तो आप सोचोगे भाई इतना पानी है फिर भी क्या दिक्कत है, बट ये सारा पानी तो पीने लायक नहीं है ना। ओनली 3% इसका ऐसा पानी है जिसको हम फ्रेश वाटर में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसको हम पी सकते हैं। उनमें से भी सारा हमारे पीने वाले फॉर्म में नहीं है, कुछ ग्लेशियर फॉर्म में भी है, कुछ ऐसे भी है, कुछ वैसे भी है। तो भाई हमारे पास बहुत कम परसेंटेज है पानी की, फ्रेश वाटर की, जिसको जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं। देयरफॉर हमें पानी को जो है अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करने की अपने अर्थ पे ज़रूरत है, और उसको कंजर्व करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अब वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, अब हम अपने कंट्री की जो वाटर रिसोर्सेज है, हमारी कंट्री में हमारे पास कितना पानी है, ये पढ़ने वाले हैं। इस पर 2 मार्कर क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव के लिए, और जो है आप लोगों का लॉन्ग आंसर भी आ सकता है या शॉर्ट भी बोर्ड एग्जाम में। तो इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड के लैंड का, यानी कि कितनी ज़मीन है हमारे पास पूरे वर्ल्ड की, 2.45% ऑफ ज़मीन है हमारे पास पूरे वर्ल्ड की, और उसका 4% ऑफ वाटर है, यानी कि हमारे पे पूरे वर्ल्ड का 4% वाटर जो है हमारे पास है। तो मतलब अर्थ पे जितना भी पानी है उसका 4% हमारे पास है, एंड मोर देन 17% ऑफ पॉपुलेशन है। तो देखो हमारे यहाँ कितनी वाटर क्राइसिस होने की सिचुएशन है, कि हमारे पास अर्थ का कितना पानी है, 4% पानी हमारे पास है अर्थ का, और पॉपुलेशन कितनी है पूरे अर्थ की, 17% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे अर्थ की हमारी कंट्री के अंदर है। तो आप सोच सकते हो कि हमें कितनी जो है, आप इमेजिन करो कि हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस कितने ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। 4,000 क्यूबिक किलोमीटर हमारी जो है आप कह सकते हो प्रेसिपिटेशन से वाटर अवेल होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश से। तो बारिश से हम कितना पानी जमा कर लेते हैं, 4,000 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है जी, एंड 1,869 क्यूबिक किलोमीटर सरफेस वाटर और रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर के रूप में हमारे पास है। ओनली 60% ऑफ द वाटर कैन बी पुट टू बेनिफिशियल यूजेस, और इसमें से 60% ही हम बेनिफिशियल यूजेस पे जो है यूज़ कर सकते हैं। 1,222 क्यूबिक किलोमीटर टोटल यूटिलाइजेबल वाटर हमारे पास है। तो ये MCQs के लिए
आपको ये नंबर्स याद करने होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे अगर अर्थ पे जितना वाटर है उसको क्लासिफाई हमें करना हो और अपनी कंट्री का भी हम देखेंगे, तो वो है हमारे पास में सरफेस वाटर और दूसरा है ग्राउंड वाटर। तो अगर आपको जो है वाटर अगर हमें यूज़ करना होता है तो या तो वो हमारा सरफेस वाटर से आएगा, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, ठीक है, या फिर वो कहाँ से आएगा, या फिर वो आएगा हमारा ग्राउंड वाटर से, ठीक है। तो दे आर द टू सोर्सेज ऑफ वाटर, ये हो गए टू टाइप्स हो गए हमारा सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। तो पहले हम हमारे सरफेस वाटर के बारे में पढ़ते हैं। तो सरफेस वाटर की मेजर फोर सोर्सेज हैं, कौन कौन सी हैं, ये रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। टैंक्स मतलब जो बड़े बड़े टैंक्स बने होते हैं ना जिसमें पानी इकट्ठा हो जाए वो, ठीक है। देयर आर 10,360 रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज लॉन्गर देन 1.6 किलोमीटर ईच हमारी कंट्री में, ठीक है। 1869 क्यूबिक किलोमीटर एनुअल फ्लो इन ऑल रिवर बेसिन्स है हमारे पास में, एंड ड्यू टू टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कॉन्स्टेंट ओनली 690 क्यूबिक किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हो 32% ऑफ द वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड। तो हमारे पास जितना पानी है टोटल, इतना हमारे पास रिवर बेसिन में पानी रहता है, इसमें से हम खाली 32% ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 690 क्यूबिक किलोमीटर ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो रिवर, लेक, पॉन्ड का पानी है ना, उसमें से सिर्फ हम 32% ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारी कौन सी ऐसी रिवर्स है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा पानी आ जाता है, वो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, और जो है हमारी इंडस रिवर। ये तीन रिवर है जिनका कैचमेंट एरिया बहुत ही ज़्यादा है और इनमें बहुत सारा पानी आ जाता है। नाउ व्हाट इज़ द कैचमेंट एरिया, यानी कि आसपास के एरिया जहाँ पे उनमें बारिश हो रही हो। जैसे कि हमें गंगा निकल के जा रही है, गंगा नदी, अब गंगा के पास में से निकलते हुए जितने भी शहर आएंगे, हरिद्वार है और उससे पहले 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 जितने भी शहर आएंगे, उन सबकी जितनी भी बारिश हो रही है, उस बारिश का पानी जितना भी उन शहरों में आया वो कहाँ जाएगा, वो गंगा नदी के अंदर ही तो जाएगा ना, कुछ ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो जाएगा, बाकी सारा पानी बह के कहाँ चला जाता है। जैसे देखो आपने बहुत बारिश होती है तो रिवर ओवरफ्लो हो जाता है, कई जगहों पे बाढ़ आ जाती है और जो है कई जगहों पे और जो है रिवर का वो जो है नीचे होता रहता है क्योंकि बारिश नहीं आती। तो जितना भी कैचमेंट एरिया, क्या एक रिवर के आसपास के जितना एरिया जहाँ पे मॉनसून आ रहा है वो हो गया उसका कैचमेंट एरिया। तो गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द इंडस रिवर के आसपास का कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, इसलिए इनमें काफ़ी सारा पानी होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड बराक रिवर हैव 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ठीक है जी। मच ऑफ द एनुअल वाटर फ्लो इन द साउथ इंडियन रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैज बीन हार्नेस्ड। अब आपको पता है जो हमारा ये तीनों रिवर्स है जो सदर्न इंडिया में हमारी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इनको हमने हार्नेस कर रखा है। अब हार्नेस मतलब क्या होता है कि इनका हम यूजेज करें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए। हार्नेसिंग रिवर्स रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड यूजिंग द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर फॉर वेरियस पर्पज जस्ट एज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हार्नेस मतलब क्या हुआ, हार्नेस मतलब कि इनमें तो इलेक्ट्रो मतलब पावर प्लांट वगैरह हम बना रहे हैं ऐसे बिजली। अभी ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन्स पे ये येट टू बी डन है, अभी हमें यहाँ पे भी करने की जरूरत है, ठीक है। अब आता है हमारी दूसरी रिसोर्स जो है हमारी ग्राउंड वाटर। जैसे आप लोगों के किसी के घर में अगर सबमर्सिबल लगा होता है तो मतलब आपके ग्राउंड वाटर से पानी आ रहा है। तो 432 क्यूबिक किलोमीटर जो है हमारे पास टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर की रिसोर्स है। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है। स्टेट विच यूटिलाइज ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन की बात करें हम तो छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड केरला में कम यूटिलाइजेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, लॉन्ग और हाई बताओ, या फिर मतलब कि जो लार्जर यूज़र है और जो शॉर्ट यूज़र है, ठीक है। स्टेट यूटिलाइजिंग एट अ मॉडरेट रेट, जो मतलब मॉडरेट रेट पे यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, वह गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ये जो है मॉडरेट यूज़ पे, मॉडरेट लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ हो रहा है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, क्योंकि यहाँ इरीगेशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। आउटकम्स ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन क्या होगा, सोशल अपहीवल एंड डिस्ट्रप्शंस। अब ग्राउंड वाटर जो है गाइस, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने में काफ़ी समय लगेगा, अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो वाटर क्राइसिस होने ऑब्वियसली जो है वो शुरू हो जाएंगे। अगला आता है हमारा, हम पढ़ेंगे लगून्स एंड बैक वाटर्स के बारे में। तो ये देख रहे हो ये फोटो ना, दिस इज़ अ लगून। लगून क्या होता है, जैसे कि स्पेशली लगून तो हम ओशन वाटर के लिए यूज़ करते हैं, जो समुद्र का खारा पानी होता है ना उसके लिए। तो जैसे कि कोई ओशन ऐसे बह के आ रहा है, बह के आ रहा है, बह के आ रहा है, अब यहाँ पे एक छोटी सी पत्थर की चट्टान थी, उसके किनारे पे एक लैंड है ऐसे, और उससे आगे भी ढलान है, वहाँ पे भी जो है किनारा है, या इधर को ढलान है, वहाँ से भी जो है निकल के जा सकता है पानी। अब क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर चारों तरफ से पत्थरों से ये ढका हुआ है, तो इसमें जितना भी ओशन का पानी जाएगा तो वो यहाँ पे स्टिल हो जाएगा ना, ठीक है। इसी को हम लगून कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा ठहरा हुआ पानी हो जाता है।
ठीक है, लगून, लगून बन गया ये तो समुद्र का, तो लगून में ज्यादातर ओशन का वाटर ही होता है, इट इज अ सॉल्टी वाटर, ठीक है। तो ये रीड करते हैं, तो लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर यूजुअली द ओशन बाय सैंड बार, बैरियर आइलैंड और कोरल रीफ, ठीक है। तो ये कोरल रीफ्स ने एक ऐसा गड्ढा टाइप का बना देते पूरे चारों तरफ से, और वो लार्ज बॉडी से सेपरेट हो जाता है। तो ओशियन वाला तो लगून ऑब्वियसली खारा पानी होगा। लगून्स आर ऑफन कॉल्ड एस्टुअरीज, साउंड्स, बेस और इवन लेक, हम इनको लेक भी कह देते हैं, बड़े बड़े लगून्स को हम लेक भी कह देते हैं। अगर हम केरला बैक वाटर्स की बात करें तो ये ब्रैकिश लगून है एंड अ कैनाल लाइंग पैरेलल टू अरेबियन सी ऑफ द मलाबार कोस्ट। जो केरला के जो लगून बनते हैं वो जो है आप कह सकते हो वो कैसे बन रहे हैं, वो अरेबियन सी से बन रहे हैं और वहाँ से साइड में निकल के वो बन जाते हैं। मैं फोटो लगा देती हूँ केरला बैक वाटर्स की भी, ठीक है। अब आता है हमारा ड्यू टू इंडियाज वास्ट कोस्ट लाइन एंड जो है हमारा, आप अगर आप देखोगे हमारा जो ये वाला एरिया हमारी कंट्री का, गाइस ये देखो नीचे से हमारी कंट्री ऐसी हो जाती है ना, सारे में यहाँ अरेबियन सी हो गया, यहाँ पूरा बे ऑफ बंगाल हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया हमारा। तो इस वजह से पता है आपको क्या होता है, और हमारी जो ये वाली एरिया ये ऐसे ऊपर नीचे है, कहीं वेस्टर्न घाट्स है, कहीं ईस्टर्न घाट्स है, ऐसा तो नहीं है ना हमारा ये पॉइंटेड बिल्कुल ऐसा है नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे बहुत सारे लगून और लेक नेचुरली जो है वो फॉर्म हो जाते हैं वेस्ट बंगाल में, हैव मेजर ऑफ द सरफेस वाटर्स इन दीज लगून्स एंड लेक्स। तो केरला के अंदर और हमारा ओडिशा वेस्ट बंगाल में बहुत सारे हैं ये। वाटर इज जनरली ब्रैकिश यानी कि सॉल्टी वाटर होता है इनके अंदर, तो लगून्स को हम ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं। दे आर यूज फॉर फिशिंग। अब इनका क्या काम है, थोड़ा खारा पानी है तो भाई इतना पीने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते हो इसको, तो फिशिंग कर सकते हो, कुछ क्रॉप्स की जो है ना आप इरिगेशन भी कर सकते हो, जैसे चावल के ऊपर आप ये वाला पानी डाल सकते हो, कोकोनट के ऊपर आप ये वाला पानी यूज़ कर सकते हो। अब वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे हम अपनी कंट्री की, तो लगून एंड ब्रैकिश वाटर ऑल्सो यू हैव टू लर्न, ठीक है। अब आता है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। तो इंडिया की 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट है ओवर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर करना है तो खेती के लिए पानी तो चाहिए होगा, और जब से हमारे यहाँ पे जो है ना HYV वाले जो सीड्स आने लग गए हैं, तब से अगर आप इरिगेशन करोगे तो आपको और ही ज़्यादा जो है पानी की जरूरत होगी, क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स को भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। नो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में लॉन्च हुए हैं, जिससे पानी का जो है ना हमारा अच्छे तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर पाए, कंजर्व भी कर पाए, जैसे कि भाकरा नंगल डैम, हीराकुट डैम, दामोदर वैली, नागार्जुन, अर्जुना सागर, इंदिरा गांधी केनाल प्रोजेक्ट, हमारे यहाँ पे ये चीज़ें लॉन्च हुई हैं, ये सब प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, सो दैट हम पानी को जो है यूटिलाइज भी अच्छे से करें और उसकी डिमांड को भी फुलफिल कर पाए। तो इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली बी एन एग्रेरियन इकोनॉमी, तो ये याद रखना, आज से नहीं हम स्टार्टिंग से ही एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो अगर हम देखें, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फॉर योर जो है MCQs, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना पानी चाहिए होता है, तो सबसे ज़्यादा पानी तो एग्रीकल्चर सेक्टर को ही चाहिए होता है, 89% ऑफ द सरफेस वाटर और 92% ऑफ द ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज लिमिटेड टू 2% ऑफ द सरफेस वाटर, 2% इंडस्ट्री सरफेस वाटर का जाती है और जो है ग्राउंड वाटर 5% जाता है। शेयर ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर इज हायर, डोमेस्टिक सेक्टर का शेयर काफ़ी है, 9% ऑफ द सरफेस वाटर डोमेस्टिक सेक्टर जो है ले जाता है, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा वाटर यूटिलाइजेशन तो काफ़ी ही हाई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिमांड फॉर वाटर, डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो इरिगेशन की हमने अभी जो है, जैसे इससे पहले वाला चैप्टर में आपने पढ़ा है, हमारी कंट्री में जो है दोनों टाइप की जो है फार्मिंग होती है, एक इरिगेशन वाली भी और एक जो है हमारी रेन फार्मिंग भी। तो रेन फार्मिंग सब जगह तो हो नहीं सकती, जिन एरियाज में ज़्यादा बारिश नहीं आती तो वहाँ हम इरिगेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड ड्रॉट प्रोन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और डेक्कन प्लेट्यू में हमें जो है इरिगेशन करनी पड़ती है। डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट ए शॉर्ट इरीगेशन ड्यूरिंग विंटर एंड समर ऑल्सो, जब एक्सट्रीम विंटर है, समर है एक्सट्रीम, जब बारिश तो पानी का आना ही नहीं है, तो इसलिए भी उस समय पर आपको क्या चाहिए, इरीगेशन चाहिए। अब इरीगेशन से क्या होता है, अगर आप कहो दीदी क्या ज़रूरत है इरीगेशन करने की, तो अगर आप इरीगेट करोगे क्रॉप्स को तभी तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगी, तभी तो ज़्यादा वो जो है आपको यील्ड निकाल के देगी। तो इसलिए आप लोगों को अपने लैंड को उपजाऊ बनाने के लिए, ज़मीन फर्टाइल हो, अच्छी फसल दे, तो इरीगेशन करनी होगी। इवन इन एरियाज ऑफ एम्पल रेनफॉल, यानी कि कई बार वो एरियाज जहाँ पे हमें पता है यार यहाँ तो अच्छी बारिश आती है, वहाँ भी कई बार मानसून में ज़्यादा बारिश नहीं आती है और वहाँ ड्राई स्पेल हो जाता है, और फिर उसको भी हमें जो है इरीगेशन आर्टिफिशियली करना पड़ता है। ऐसा कई बार वेस्ट बंगाल और बिहार
में हो जाता है. फॉर इंस्टेंस वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस शुगर कीन जूट इज़ वेरी हाई विच कैन बी ओनली मेट थ्रू इरीगेशन. जैसे कि अगर आप बात करो राइस है, पैडी है, क्या ये तो बारिश में उगता है, बहुत पानी चाहिए, बारिश वाले इलाकों में उगता ही है, शुगर केन भी हो गया, जूट भी हो गया. बट क्योंकि आजकल मौसम क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है और जो है बारिश भी पूरी नहीं आती है कई जगह पर, जहाँ पता है सालों से तो बारिश आती थी अच्छी खासी, बट अब की बार अगर इस साल कम आ गई तो इरीगेशन आपको करनी पड़ेगी. और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारे मानसून पर भी इफेक्ट हो रहा है, तो आज के समय पर तो राइस, शुगर केन और जूट को भी हमें आर्टिफिशली इरीगेट करना ही पड़ता है क्योंकि इन्हें बहुत पानी चाहिए. ठीक है, आप प्रोविजन ऑफ, अगर हम इरिगेशन की बात करें और क्या फ़ायदे होते हैं इरिगेशन के, मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल. एक क्रॉप जल्दी उग गई, दूसरी क्रॉप लगा सकते हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. जब आप एक उपजाऊ ज़मीन पे फसल बोओगे जिसमें अच्छा पानी जाया हुआ है, उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, ज़्यादा फसल आएगी. सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में जो है बहुत ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी हो गई थी और 85% ऑफ द नेट सोन एरिया इज़ अंडर इरिगेशन. तो इस वजह से जब बहुत हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो वो भी इसलिए पॉसिबल हुआ था क्योंकि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के अंदर इरिगेशन हमने की थी. ठीक है, वीट एंड राइस आर ग्रोन मेनली विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन इन दी स्टेट. तो वीट और राइस दोनों यहाँ पे इरिगेशन के थ्रू ही उगाए जाते हैं. ऑफ द टोटल नेट इरिगेटेड एरिया 76.1% इन द पंजाब एंड 51.3% इन हरियाणा आर इरीगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. तो आप समझ सकते हो कि वेल में पानी कहाँ से आ रहा है, ट्यूब वेल में पानी कहाँ से आ रहा है, रेनफॉल पे तो डिपेंडेंट नहीं है ना ये, तो ये इस तरीके से इरीगेशन करते हैं. चलो अब आ रहा है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर आप इतना इरीगेशन कर रहे हो भाई, तुम ट्यूबवेल का पानी कहाँ से निकाल रहे हो, ग्राउंड वाटर ही तो निकाल के दे रहे हो क्रॉप को, तो इससे क्या होगा, डिप्लीशन हो जाता है हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर. आज के समय पे बारिश कम आ रही है और हम ग्राउंड वाटर को यूज़ करते जा रहे, ग्राउंड वाटर अब इससे क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है. तो ओवर विड्रॉल इन सम स्टेट्स लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र हैज़ इंक्रीज्ड फ्लोराइड कंडीशन इन द ग्राउंड वाटर. अब आप पहले डिप्लीट तो कर ही रहे हो ग्राउंड वाटर को, हम कम तो कर ही रहे यूज़ करके, और काफ़ी सारे ऐसे एरिया जैसे कि राजस्थान और महाराष्ट्र में क्योंकि ओवर यूटिलाइज हो गया है ग्राउंड वाटर, इस वजह से ग्राउंड वाटर के अंदर फ्लोराइड नाम के केमिकल के जो है वो मिल गया है. तो सोचो अगर ग्राउंड वाटर ही जो है कंटेमिनेट हो गया, केमिकल हो गया उसके अंदर ही, तो क्या हो जाएगा दुनिया का, कितनी मुश्किल हो जाएगी. ऐसा यहाँ पे हो रहा है. एंड दिस प्रैक्टिस हैज लेड टू कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार. और कहीं और में आर्सेनिक का प्रेजेंस हो गया है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल और बिहार में, हमारे जो है वाटर के अंदर, कौन से, ग्राउंड वाटर के अंदर. और क्या इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पे. नेक्स्ट अगर आप वाटर प्रॉब्लम्स इमर्जिंग देखो तो पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का जो है बहुत यूजेज हो चुका है वाटर का, और वो बाद में जो है एफ्लुएंस मतलब गंद आप कह सकते हो, केमिकल वाला, बिल्कुल केमिकल ट्रीटेड वाले जो उनके वेस्ट होता है ना, वो जाके वो सीधा इसमें पंप कर देते हैं, फ्लश कर देते हैं वाटर बॉडी के अंदर. और ओवर यूटिलाइजेशन एक रीज़न है हमारे इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स का, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. नाउ डिट्रॉयटेशन ऑफ वाटर क्वालिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है. तो वाटर क्वालिटी मतलब क्या होता है और डिट्रॉयटेशन ऑफ वाटर क्वालिटी मतलब क्या है. तो वाटर क्वालिटी रेफर्स टू द प्योरिटी ऑफ वाटर विदाउट एनी जो है हमारा फॉरेन सब्सटेंसेस. तो अगर आपका वाटर प्योर है मतलब कि आपके वाटर के अंदर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल नहीं है, और अगर अनवांटेड पार्टिकल आ गया मतलब कि वाटर पॉल्यूट हो गया है. तो वाटर गेट्स पॉल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, केमिकल हो गया, या इंडस्ट्री या फिर कोई अलग टाइप का वेस्ट हो गया, दूसरा वेस्ट हो गया, उससे वाटर हमारा पॉल्यूट हो जाता है. दिस डिस्ट्रॉयड्स द वाटर क्वालिटी एंड मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़. अब जिस वाटर के अंदर केमिकल है क्या तुम उसे पी सकते हो, क्या नहा सकते हो उससे, नहीं ना. समटाइम दीज पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप डाउन एंड पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर. कई बार ये पॉल्यूटेंट्स जो है हमारे ग्राउंड वाटर तक में सीप डाउन हो जाते हैं, यानी कि कई बार ना लैंड के ऊपर जो ज़मीन होती है उस पर कई इंडस्ट्रियाँ अपना केमिकल ऐसे ही वेस्ट फेंक देती है, वो धीरे धीरे रिस्क के नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है और उससे ग्राउंड वाटर तक कंटेमिनेट होने लग गया है. ठीक है जी, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक. अब जब इतनी हमारी गड़बड़ हो रही है वर्ल्ड के अंदर, और अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर यूज डिप्लीट हो रहा है हमारा, इतना हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरत है कि हम वाटर को कंजर्व करें और मैनेज करें. तो इंडिया हैज़ टू टेक क्विक स्टेप जिससे हम पॉलिसीज़ बनाएं, कुछ मेजर बनाएं जिससे वाटर जो है हम उसको जो है मैनेज कर पाए, सेव कर पाए. बिसाइड्स डेवलपिंग वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स, अटेम्प्ट्स आर ऑल्सो टू बी मेड टू प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन. तुम्हें बात लग सुन के लग रही होगी, दीदी आप पॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो चलो सेव तो करना ही है वाटर को, बट पॉल्यूशन भी रोकना होगा. तो यस, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि आप पॉल्यूशन भी मत करो
करो और वाटर को सेव भी करो. वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग इन टू द रिवर बॉडी. अब अगर वाटर को आपको पॉल्यूट नहीं होने देना है तो इंडस्ट्री वालों के पास तरीके होते हैं कि वो जो है वेस्ट को डायरेक्टली ना करे, उसको पहले कूल होने दे. अगर गर्म पानी भी कई बार ठंडे पानी में डाल दे तो भी इफेक्ट हो जाता है. अगर केमिकल है तो पहले आप उसे सही करो, केमिकल को बहुत एसिडिक है उसको ट्रीट करो और फिर आप उसको फ्लो करो या आप मत करो. बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी मैं वो डिटेल में नहीं बता रही हूँ इंडस्ट्रीज के पास में, बट कई क्योंकि उसमें खर्चा होता है तो कई नहीं करती हैं. तो इसलिए ट्रीट करना चाहिए बिफोर डिस्पोजिंग इन टू रिवर वाटर. नीड्स टू एनकरेज वाटर शेड डेवलपमेंट. वाटर शेड डेवलपमेंट मतलब वाटर को सेव करने की अलग अलग प्रैक्टिस करनी चाहिए. जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, वाटर रिसाइकलिंग एंड री यूज फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग रन. वाटर हार्वेस्टिंग वाले कई लोगों के घरों में बने होते हैं कि जो रेन वाटर आया उसको आपने टंके में कलेक्ट कर लिया, चाहे अब आप उसको खेती के लिए यूज़ करो, चाहे घर के कपड़े वपड़े बर्तन वर्तन धोने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. और वाटर को रिसाइकिल होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका जो यूज़ है वो भी रीयूज़ करो. जैसे कि अगर आपके घर में आरओ में से इतना पानी निकलता है, वो वेस्ट होता रहता है तो उसको हम किसी तरीके से, पीना तो नहीं है जो वेस्ट वाला है, तो उसको किसी तरीके से यूज़ कर लो. जैसे उससे कभी आप जो है पौधों में डाल दिया या कुछ कर दिया, या कोई धुलाई में पोछे के पानी में यूज़ कर लिया, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं चाहे तो. बट कोई इन पे आजकल ध्यान नहीं देता है. और अगर हमारे ये छोटे छोटे अगर हम एफर्ट्स करेंगे तो उससे वर्ल्ड पे काफ़ी एक अच्छा इफेक्ट आएगा. और भी रीयूज़ करना वाटर को जितने तरीके से पॉसिबल हो, तो हमें वाटर को रीयूज़ भी करना चाहिए. तो दीज आर द सिंपल वाटर को सेव करने की 3 स्ट्रैटेजी हमारी, ठीक है. अब आता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन. नाउ यू विल स्टडी एंड डिस्कस कि कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर पॉल्यूट कैसे होता है, तो ये आप देख सकते हो ये इंडस्ट्रीज है और इनका सारा वेस्ट जो है जाता है. जब यहाँ पे और भी जितना हम गार्बेज डंप करते हैं तो क्या वाटर पॉल्यूट नहीं होता उससे? जितने ही बड़े बड़े कूड़े के ढेर में कूड़े भर के जाते हैं वो भी कई बार सीधा रिवर में इधर उधर कहीं फेंक दिए जाते हैं, तो सोचो उससे कितना पॉल्यूशन होता है. तो मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री जनरली रिटेन बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया या फिर हिली एरियाज. तो आपको पता है जितनी भी हमारी रिवर जो साफ है, प्योर वाटर जिनमें है, तो वो कहाँ पे है? वो हमारा हिमालय से निकलती हुई जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उसके पास में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे लोग कम रहते हैं तो वो रिवर को पॉल्यूट इतनी नहीं होती है. अब जैसे आप प्लेन एरिया में आओगे, आप यमुना नदी को देखते हो, वहाँ पे क्या है, कितना वो पॉल्यूट हो चुकी है. तो जैसे जैसे हम प्लेन एरिया के अंदर आते जा रहे हैं वैसे वैसे रिवर को लोग पॉल्यूट बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं, क्योंकि प्लेन एरियाज में बहुत पॉपुलेशन है, बहुत गार्बेज होता है, वो डंप हो जाता है रिवर में और रिवर पॉल्यूट होती जा रही है. इन प्लेन्स रिवर वाटर इज़ यूज़ इन, और साथ में हम पॉल्यूट तो कर ही नहीं है रिवर को, साथ में यूज़ भी बहुत करते, चाहे वो इरीगेशन हो, ड्रिंकिंग के लिए हो, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो, सब के लिए हो. द ड्रेन्स कैरिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे कि फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स और डोमेस्टिक वेट भी होता है ना हमारा घर का, जो होता है सॉलिड और लिक्विड सीवेज वेस्ट जो भी होता है और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ये सब जाके रिवर में गाइस डंप हो जाते हैं. तो इसलिए द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन रिवर स्पेशली रिमेन वेरी हाई ड्यूरिंग द समर सीजन व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर इज लो. तो जो रिवर के अंदर पॉल्यूशन लेवल होता है वो समर में बढ़ जाता है, क्योंकि समर में रिवर का वाटर लेवल कम होता है, फिर मानसून के बाद बढ़ता है ना रिवर का वाटर लेवल, तब जाके तो वो सही होगा, बट हम तब भी नहीं होने देते क्योंकि हमारी पॉल्यूशन ही इतना लेवल बढ़ा देते हैं. तो अब इसका रिजल्ट क्या है, बहुत हमारे लिए आगे चल के दिक्कत हो सकती है. तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मॉनिटर करने का पूरा एक प्लान बनाया वाटर की क्वालिटी को. हमारे जो है बहुत सारे नेशनल वाटर रिसोर्सेज के लिए स्टेशन बने हैं, 560 स्टेशन बने हैं जो वाटर क्वालिटी को चेक करेंगे. मेन सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट क्या पता चले हमें, ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है. यमुना मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है हमारी, कहाँ से कहाँ तक में, दिल्ली से लेके इटावा तक में यमुना मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर. आप देखते हो वो बबल्स से दिख रहे होते हैं यमुना के ऊपर वो निकलते हुए, वो क्या है, पॉल्यूशन है वो, ठीक है. अदर सीवियरली पॉल्यूटेड रिवर कौन सी हमारी, साबरमती एट अहमदाबाद, गोमती एट लखनऊ, लर्न करना है इन्हें, द काली, द अदियर, द कूम, ठीक है, द वेग एट मदुरई, द मुसी ऑफ हैदराबाद, इवन एट एंड द गंगा एट द कानपुर एंड वाराणसी ऑल्सो. हम इन सभी रिवर्स को जो है पॉल्यूट करते जा रहे हैं. ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है. हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, ये सब हमें ग्राउंड वाटर में मिल रहे हैं. तो भाई ऐसे चैप्टर को तो पढ़ा के ही मुझे टेंशन होने लगती है क्या होगा, बट
एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लगा हमारा 1974 में, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लगा था, लगा बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सही से। 1997 के अंदर इसका इफेक्ट क्या हुआ, 251 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वर्ल्ड लोकेटेड अलोंग द रिवर्स एंड लेक। तो भाई 250 से भी 250 हो मान लो तुम, चलो 251 है इंडस्ट्री, अगर ये रिवर और लेक के बैंक पे लगी है तो ये क्या करेंगे, अपना वेस्ट इस रिवर या लेक में ही तो जो है वो डंप करेंगे। वाटर सेस एक्ट बना फिर हमारा 1977 में, मेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन, हैज़ ऑल्सो मेड अ मार्जिनल इम्पैक्ट। जो हमारा वाटर सेस एक्ट बना था, अब इसका एक मिनट ईयर चेक कर लेना, 1977 ही है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, तो इसको भी देख सकते हो आप कि इसका भी इम्पैक्ट सही नहीं था। तो हमारे पास जितने भी आज तक हमने एफर्ट्स लगाए हैं उन हमें इतना अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड टू जनरेट पब्लिक अवेयरनेस, बहुत ज़रूरत है कि हम पब्लिक अवेयरनेस करें जिससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो। ठीक है, अब रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर। नेक्स्ट, अगर हम ह्यूमन लेवल पे अपना देखिए घर पे आसपास में हम क्या तरीके अपना सकते हैं वाटर को जो है साफ रखने के, अपने लेवल पे वाटर को सेव करने के, तो रिसाइकिल करो और रीयूज करो। तो वाटर कैन बी रीयूज फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्रीज एंड फायर फाइटिंग टू रिड्यूस देयर वाटर कॉस्ट। तो हम घर पे तो जैसे कर सकते हैं अर्बन एरियाज में यूजुअली पूरे कैसे कर सकते हैं इंडस्ट्रीज, जैसे कि कूलिंग करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में काम आ सकता है वाटर, जो आप थोड़ा कह सकते हो गंदा पानी है वो, फायर फाइटिंग में काम आ सकता है टू रिड्यूस देयर वाटर कॉस्ट। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में वाटर आफ्टर बेथिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल कैन बी रीयूज फॉर गार्डनिंग, जैसे कि जो नहाने का भी पानी है और जो आपका जो है वॉशिंग यूटेंसिल्स वाला जो पानी होता है वो हम जो है गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। दिस वुड हैव कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ऐसा अगर हम करेंगे तो बता आपको क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा हो जाएगा। करेंटली रिसाइकिलिंग ऑफ वाटर इज प्रैक्टिस ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल, आज के समय पर हम बहुत कम लेवल पर करते हैं, हाउएवर अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब वाटर शेड मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम, वाटर शेड मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो वाटर शेड मैनेजमेंट रेफर टू मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो दोनों को ही जब हम कंजर्व और मैनेज करने की बात करते हैं उसे हम कहते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो चाहे वो सर्विस वाटर हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ, स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, ना ही हमारा जो सर्फेस वाटर है वो रन ऑफ हो जाए। पता है कई बार क्या होता है, जैसे बारिश का साफ पानी आ रहा है और वो ना रन ऑफ होके, रैदर देन कि अगर वो हमारी ग्राउंड वाटर में जो है ऐसे नीचे से ना पानी नीचे चला जाता है, बट क्या होता है ऐसे अगर ढलान सी हो तो वो सरफेस रन ऑफ होके कई बार ना जो नालियाँ होती है जो पोल्यूटेड एरियाज हैं उसमें जाके मिक्स हो जाता है, तो भाई जो साफ पानी है वो भी हमारा पॉल्यूट हो गया। तो जिससे कि हमारा अब वो क्यों नहीं होगा, जब हमारी ग्रासेस होंगी हमारी लैंड की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो नहीं होगा, बट हम हर चीज़ को पॉल्यूट करते जा रहे हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ करना है हमें। कई जगहों पे पता है आपको लैंड पॉल्यूशन जब हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से वो बन जाते हैं बड़े बड़े दलदल, बहुत बड़े बड़े, कि वहाँ पे अगर बारिश का भी पानी आ रहा है वो भी रुक जाता है, वो भी सॉल्टी गंदा पानी बन जाता है। तो हमें प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ वाटर करना है कि वाटर रन ऑफ ना हो, स्टोर अच्छे से हो वाटर और रिचार्ज होता रहे हमारा ग्राउंड वाटर। अब ये सब कैसे होता है, सबसे पहले तो प्री लोकेशन ऑफ टैंक्स, यानी कि टैंक जो होते हैं ना जिसमें रिवर का वो रिवर नहीं सॉरी रेन का वाटर कलेक्ट हो सके वो लगाओ, रिचार्ज वेल्स लगाओ, कुएं बनाओ जिसमें पानी इकट्ठा हो सके। वाटर शेड मैनेजमेंट इंक्लूड्स कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज नेचुरल लाइक लैंड वाटर प्लांट्स एंड एनिमल एंड ह्यूमन। एम बता रखा है कि एम क्या होता है वाटर शेड मैनेजमेंट करने का और उसका रिजल्ट क्या होता है। तो वाटर शेड मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो हम बैलेंस बना सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और सोसाइटी के बीच में। सक्सेस ऑफ वाटर शेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो वाटर शेड मैनेजमेंट तभी काम करेगा जब हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे वाटर शेड मैनेजमेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आज के समय पर लागू करे हैं, कुछ तो NGOs ने भी लागू करें। फॉर एग्जाम्पल आप दो के बारे में पढ़ने वाले हो, एक है हरियाली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करा है, जिससे कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो वाटर कंजर्व कर पाए ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज के लिए और एफॉरेस्टेशन के लिए। इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाई ग्राम पंचायत विद पीपल्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये कौन सा है, हरियाली लर्न करना है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है नीरू मीरू, मतलब वाटर एंड यू। ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में जो है एंड जो है हमारा अलवर राजस्थान में जो है स्टार्ट हुआ। इसमें क्या करा गया, वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जैसे कि टैंक और डगआउट पॉन्ड्स बनाए गए जिससे उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। ठीक है, जोहद चेक डैम्स
जो हद भी बनाए गए, जैसे कि चेक डैम्स हो गए, थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन, कैसे जिसमें लोगों ने भी पार्टिसिपेट करा कि हम भी वहाँ जाके बनाएंगे डैम, ठीक है, मदद करेंगे। तमिलनाडु हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द हाउस कंपल्सरी। तो तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हर घर के ऊपर रेन वाटर को हार्वेस्ट करने वाला सिस्टम होना कंपल्सरी है। दीज प्रोजेक्ट्स सम एरियाज हैव बीन सक्सेसफुल इन रिजुनोवेटिंग एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। तो काफ़ी सारे ये बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं। हाउ एवर देयर आर ओनली फ्यू सक्सेस स्टोरीज इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेज द प्रोग्राम इज स्टिल इन द नैस्किन स्टेज। कई जगहों पर तो दिख गया असर, बट ज़्यादातर ऐसे हैं जहाँ असर नहीं दिखा। There is a need to generate awareness regarding benefits of watershed development and management among people in the country. तो इसलिए ज़रूरत है कि हम लोगों को और जागरूक करें इस बात के लिए कि आप वाटर को सस्टेनेबल वे में यूज़ करो, यानी कि खुद तो यूज़ करो बट आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाओ, आप बचाने के लिए पॉल्यूट भी कम करो और कुछ तरीके अपनाओ जिससे आप वाटर को रिसाइकिल करो, रीयूज़ कर पाओ। एक आपको ये एग्ज़ाम के में तो इतना नहीं पूछा जाएगा बट स्टिल आप इसको रीड करना जब आपको टाइम मिलेगा। रेलगांव सिद्धी स्मॉल विलेज इन द महाराष्ट्र, तो आपको ये स्टोरी दे रखी है, व्हेन यू विल गेट टाइम रीड इट, ठीक है। और अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पहले आप ये फोटोज देख सकते हो, हार्वेस्टिंग थ्रू वाटर शेड मैनेजमेंट, एक आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से हम रेन वाटर को हार्वेस्ट मतलब सेव कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप कि ये जो पहाड़ों पे से पानी जैसे जो है बहता हुआ आ रहा है, तो स्टोन की वॉल्स बना रखी है बीच बीच में जिससे आप पानी के फ्लो को डाइवर्ट कर पाओ, और यहाँ पे जो है चेक डैम बना रखा है जहाँ से आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। दूसरा, हार्वेस्टिंग थ्रू लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको इरिस कहते हैं। तो यहाँ से ये पानी जब आया तो इधर ये लेक बना रखी है, सारा पानी रैदर देन कि वो फ्लो करके जो है फिर नालियों में बह जाए, ये जो पानी जो है रिवर का या आपका जो है हमारा रेन वाटर का जितना भी पानी आ रहा है इसमें, तो वो ऐसे स्लोप पे से इधर इस लेक में इकट्ठा हो जाएगा। हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वेल, कि जो बारिश का पानी आपके जो है, आप इमेजिन करो कि घर की छत पे आ रहा है, उसको आप जो है यहाँ पे पाइपलाइन कनेक्ट करो, यहाँ ब्रिक फिल्टर लगाओ और यहाँ पे जो है सीधा का सीधा उसको आप ग्राउंड वाटर में जो है लगवा दो। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हार्वेस्टिंग थ्रू रिचार्ज वेल, इसमें भी इसी तरीके से है कि आपने अपने घर का जो पानी है ये पाइपलाइन फिट कर रखी है, यहाँ फिल्टर्स भी कुछ लगा दिए हैं, और रिचार्ज वेल में पहले कलेक्शन टैंक में कलेक्ट हुआ वो घर पे यूज़ हो जाता है पानी, और जो बाकी और एक्सेस होगा वो रिचार्ज वेल में नीचे जाके रिचार्ज हो जाएगा। तो कुछ घर का भी यूज़ हो जाएगा उससे और बाकी क्या हो जाएगा, बाकी नीचे चला जाएगा रिचार्ज के लिए। अ मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस को हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट कैन बी डन बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑन रूफ टॉप या फिर ओपन स्पेसेस, जैसे कि लेक बना रखा है जो मैंने फर्स्ट डायग्राम दिखाया। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्वेफर्स, ठीक है। इट इज़ अ लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली फॉर प्रिजर्विंग वाटर बाई गाइडिंग द रेन वाटर टू बोर वेल पिट्स एंड वेल का। तो कितना आसान काम है ये, मतलब अगर आप करना चाहो तो घर पे आप ऐसा सिस्टम लगवा सकते हो पानी बचाने के लिए। और जैसे बाहर भी ये देखो, ये पानी रेन का जो है ना ये बह जाएगा, क्या पता गंदा पानी में जाके मिक्स हो जाए। तो आपने यहाँ पे चेक डैम बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या बनाया, लेक बना दी, तो उसमें इकट्ठा हो गया, तो ये फ्रेश वाटर लेक हो जाएगी, आप इसे यूज़ कर सकते हो पानी को। इतनी कॉस्ट भी नहीं होती है इनकी और आप पानी अच्छा खासा अपने पास बचा सकते हो। बेनिफिट्स क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल की टेंशन नहीं रहेगी, क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा तो वो फ्लोराइड और नाइट्रेट्स की जो प्रेजेंस है उनको फिर डाइल्यूट कर देगा। सॉइल इरोजन नहीं होगा, फ्लडिंग नहीं होगी, जितना पानी अगर बहता हुआ चला गया तो उससे सॉइल भी तो इरोड हो जाती अपने साथ बोली जाएगी, फ्लड आने का खतरा नहीं रहेगा। एंड डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर, अब जब आपके घर में टंका लगाए जिसमें पानी है तो आप हर चीज़ के लिए ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ठीक है। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूरल एरियाज में बहुत प्रैक्टिस होता है। इट इज़ डन बाय सरफेस स्टोरेज बॉडीज लाइक लेक पॉन्ड्स एंड इरीगेशन टैंक। लेक बने होते हैं, पॉन्ड बने होते हैं और इरीगेशन टैंक बने होते हैं। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है स्ट्रक्चर लोकली नोन एज कुंड और टंका, राजस्थान में हम कुंड या टंका कहते हैं, और जो है अ कवर्ड अंडरग्राउंड टैंक आर कंस्ट्रक्टेड नियर द हाउस और इन अ विलेज टू स्टोर हार्वेस्टेड वाटर। तो सब घरों के या विलेज के बाहर बना होता है एक पूरा जो है अंडरग्राउंड पूरा टैंक जिसके अंदर स्टोर होता है पानी। अब बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, बहुत स्कोप है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, क्योंकि इससे हमारा पानी काफ़ी सेफ हो सकता है। इट कैन बी डन ऑन द रूफ टॉप ऑल्सो, ओपन स्पेसेस पे ऑल्सो, ठीक है। और ये कम्युनिटी का डिपेंडेंस ओवर द ग्राउंड यूज कर देती है, दे रखा है। एक बात और बता रखी है कि कुछ एरियाज के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है जहाँ पे जो वाटर है वो सेलाइन होता है,
यानी कि नमकीन पानी होता है आसपास में। इशू ऑफ डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर होता है पर्टिकुलरली कोस्टल एरिया में, जहाँ लगून है पास में वहाँ से तो खारा पानी मिलेगा, ब्रैकिश वाटर एरियाज़ में, एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ के अंदर। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम वाटर सरप्लेस एरियाज़ में से जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है उसको वाटर डेफिसिट एरिया में जो है डाइवर्ट कर सकते हैं बाय इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इंटरलिंक करके रिवर्स को। बट वो काम करना आसान नहीं है, उसमें काफ़ी खर्चा आएगा, मेहनत लगेगी, तो इसलिए जो है ये करना बहुत ज़रूरी है, करना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी। इट कैन बी इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ फॉर सॉल्विंग वाटर प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो इंटरलिंकिंग के बारे में आपको बुक में दे रखा है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। हाउएवर आज के समय पर बहुत सारा, अगर आप इंडिविजुअल एक आम आदमी की नज़रिए से देखो ना, तो आज के समय पर वो पानी को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है, पानी की प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि कई जगहों पर पानी के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मैंने आपको रीड करके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं और इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आपको वाटर के कितना वाटर है हमारी कंट्री में, रिवर का कितना है, ग्राउंड वाटर कितना है, कितना यूजेज है, वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है, कैसे सही कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन पे क्वेश्चंस आएंगे, मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज बनाऊंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सीयूईटी के लिए जो एमसीक्यू होंगे उसके लिए मेरे सीयूईटी वाले चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ से मिल जाएंगे सारे एमसीक्यूज। विद दिस बॉबी टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।